सलाम सलाम बैठ सकते हैं। खुदा का शुक्र है कि वो हमें गाय बगाए मौके फरहम करता रहता है अपनी हुजूरी में हाजिर होने के। इसके लिए हम खुदावन की जितनी भी शुक्रगुजारी करें कम है। हम कमज़ोरी की हालत में उसके सामने आते हैं और बड़ा ज़ोर लेकर जाते हैं। जिनका ईमान है, यकीन है, वो वाकई ही खुदा से बरकतें लेते हैं, लानतें नहीं लेते, क्योंकि खुदा हमारा लानत नहीं बल्कि बरकत देता है। और ये बरकत कैसे मिलती है आपको पता है? ये आपकी कोशिश से, आपकी लगन से, आपकी जुस्तजू से, जो आप खुदावन के साथ लगाने के लिए करते हैं। आज का कलाम भी हमारा इसी मौजू पर होगा कि हम देखें कि वाकई ही जो कोशिश करते थे वो कैसे कामयाब हुए। इनवर्ड है कोशिश। रोमियो के नाम पर पौलुस रसूल का खत निकालेंगे। बारह बाब उसकी 11 और 12 आयत हम देखेंगे। कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावन की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर, दुआ करने में मशगूल रहो। आमीन आमीन। खुदा उनके पाक नाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा खास बरकत नाज़िल करे। हम एक मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा को सारा जलाल देंगे। खुदावन, हम जो कमजोर हैं तेरी बरकत चाहते हैं। जब तक भी मैं तेरे कलाम को तेरे बेटे और बेटियों पर नाजिल करूं, फरमाऊं, सिखाऊं, समझाऊं, बड़ी अकल मांगता हूं, दनाई मांगता हूं, बरकत मांगता हूं, लफ्जों की तरतीब मांगता हूं, कलाम सुनाने की हिम्मत, ताकत, दिलेरी मांगता हूं, हर तरह की अबलीसी ताकतें तेरे बेटे यीशु के नाम से दूर हों और तेरा पाक रूह यहां पर जुम्बश करे, एक एक जान बदन रूह को छू ले और अपने जलाल से ममूर कर, यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। यहां पर कोशिशें दो होती हैं। एक कोशिश होती है दुनियावी, जो हम अपनी खुराक के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सारे फ्यूचर के लिए कोशिश करते हैं, वो अपनी अकल और दनाई से। एक कोशिश है खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, जो रूहानी कोशिश है। जिसने भी रूहानी कोशिश की है वो रूहानी कदम में आगे बढ़ा है, जिसने दुनियावी कोशिश की है वो दुनियावी बातों में आगे बढ़ा है। दोनों में बरकत मिलती है। और जो अपनी कोशिश से हम चीजें हासिल करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, वो तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। हमें कलाम में ऐसे बहुत से जगहों पर हवाला जात मिलते हैं जिन्होंने दुनियावी कोशिश की, चमक दमक को देखा और अपने ख्यालात को मद्देनजर रखा और उन चीजों की तरफ आगे बढ़े। आप जानते हैं लूत को, उसने दुनियावी सोच के मुताबिक चमक को, दमक को और खूबसूरत शहर को देखा और वहां पर गया। वो ऐसा एक शहर था, एक ऐसा मुल्क था जहां पर ये सारी बुराई थी, गुनाह था, लेकिन चमक दमक उसको नजर आती थी। हर तरह की वहां पर अयाशी थी, हर तरह की वहां पर सहूलत थी, लेकिन खुदा का बंदा जो इब्राहिम था, उसका
चाचा वो खुदा पर ईमान रखता था। उसने रूहानी कोशिश में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की और वो आज तक सब उसको ईमानदारों का बाप कहते हैं। और लूत जो था वो जिस शहर में गया, चमक दमक वाले शहर में गया, वहां पर क्या हुआ, आग और गंधक बरसी गई, क्योंकि वो उसकी अपनी सोच थी, वो अपने ख्याल से गया था, अपनी सोच लेकर गया था। लेकिन जो खुदा की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं वो हमेशा खुदावन यीशु मसीह में पायदार शहर को हासिल करते हैं। और वो हम जानते हैं कि जो इन बातों में आगे हैं उनकी कोशिशें हमेशा कामयाब हैं। हम देखेंगे जो रूहानी कोशिश में आगे बढ़े, लूका की इंजील उसका 5 बाब उसकी 5वीं आयत जरा पढ़े, क्या लिखा हुआ है वहां पर। शमौन ने जवाब में क्या कहा था, वो कोशिश कर रहे थे क्या। शमौन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद हमने रात भर मेहनत की, कुछ हाथ ना आया। हालेलुया, हमने क्या की है, रात भर मेहनत की। उन्होंने कोशिश की, रात भर काम पर निकले और अपनी सोच से दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ जाल डाले, क्योंकि वो माहिर थे, मछलियां पकड़ने वाले थे। और यहां पर क्या, पूरी रात में 12 घंटे होते हैं। और जो भी आजकल के भी इंसान, जो आपको मैं क्रेडिट देता हूं कि आप एक काल पर यहां पर जमा हो गए, ये आपकी एक कोशिश थी। अगर चाहते तो आप भी आज बिस्तरों पर लेटे रहते, रेस्ट करते और दुनियावी बातों में मगन रहते, दुनियावी सोचों में मगन रहते, लेकिन खुदा की कोशिश में आप चर्च तक आगे। और आज खुदा का कलाम जो भी आपके लिए होगा वो बाइस बरकत बाइस मसरत होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा के कलाम में ही हमें बरकत मिलती है और हम उसमें तरक्की हासिल करते हैं, क्योंकि वो ही कोशिश हमें रूहानी तरक्की पर लेकर जाती है। कोशिश में क्या है, सुस्ती ना करना। यहां पर क्या किया उन्होंने, रात भर। अब यीशु से आगे पढ़ेंगे ना, पहली आयतों में तो यीशु उनके पास आया था, शमौन की कश्ती में बैठ गया था, जरा हटा कर ले गया और वहां से यीशु मसीह कलाम सुनाता है उसकी कश्ती में बैठकर। अब वो उसका शिगिर्द नहीं, उसका कुछ भी नहीं जानने वाला, लेकिन यीशु ने उसको एक हुक्म दिया कि जरा हटा ले चल। और कलाम सुनते सुनते शमौन की सोच में तब्दीली आ गई। अब आगे जरा पढ़ेंगे 5वीं आयत से जहां तक पढ़ा था आपने, उससे आगे पढ़ें। हाथ ना आया मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं, ये किया और वो मछलियों का बड़ा गौर घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। आमीन आमीन। अब ये पहली दफा शमौन ने हुक्म माना यीशु के कहने पर, और रात भर थकावट हो जाएगी। अगर आप भी, मैं आपको काम पहले कह चुका हूं कि आपको क्रेडिट देते हैं, आपने मेहनत की पूरा दिन, यार फिर पास्टर साहब ने 2 दिन बाद बुला लिया है, हैं? लेकिन आप खुदा में बढ़ना चाहते हैं, ये एक लगन है, ये आपकी जुस्तजू थी कि आप आज आगे। हमारे अंदर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहाने होते हैं, ऐसे ऐसे बहाने हमारे अंदर नहीं होते, लेकिन हमारे अंदर डालने वाला है जो सोच में तब्दीलियां लाता है। उसकी कोशिश है आपको रोकने की, लेकिन खुदा की कोशिश है आपको पकड़ने की। दोनों पकड़ते हैं, रूहानी भी और जिस्मानी भी, दोनों कोशिशें आपको तबाह कर सकती हैं। एक कोशिश तबाह कर सकती है, एक कोशिश आपको रूहानी बना सकती है। आज आपने एक आवाज पर जो खुदा को कबूल करते हैं, आमीन कहते हैं, खुदा उनकी कमाई को, उनकी औलाद को, उनकी जुस्तजू को, उनकी कोशिश को बरकतों में बदल देता है जो खुदा का हुक्म मानते हैं। इसने कहा तेरे कहने से, अब वो उसको जानता नहीं, कलाम सुना, क्या कहता है, तेरे कहने से, पढ़े सर,
तेरे कहने से जाल डालता हूँ, और ये किया और वो क्या हुआ, मछलियों का कितना बड़ा घोर घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने आगे सातवीं आदमी लिखा, और उन्होंने अपने शरीकों जो साथी दूसरी कश्तियों में थे, वो भी रात भर मेहनत कर रहे थे, लेकिन जब पतरस ने देखा कि हमारे जाल तो बड़ी कसरत के साथ भरे हुए हैं, अब हम अपने साथियों की मदद चाहें, कोशिश की उन्होंने और जाल फेंक दिया और बड़ा गोल घेर लाए। अब यहां पर इससे आगे हम चलेंगे तो ये था फर्स्ट टाइम हुक्म मानना। अब एक बंदा था सौल, पुराने यातनामे में शरीयत सैमुअल ने उसको हुक्म दिया था कि उस शहर में जा, उस मुल्क में जा, सबको नेस्तो नबूत कर दे, खत्म कर दे, बच्चों तक खत्म कर दे, उनके मवेशी खत्म कर दे, उनकी हर एक चीज को तबाह और बर्बाद कर दे। लेकिन उसके दिल में क्या हुआ, अपनी सोच आई, अपनी कोशिश आई, अपनी अकल आई, और क्या किया, जो अच्छे अच्छे और मोटे ताजे मवेशी थे, जानवर थे, वो अपने साथ ले आया। लालच बादशाह ने बनाया ही, इसराइल ने मंगया सी, लेकिन वो अपनी सोच से वो मोटे ताजे जानवर ले आया, मवेशी ले आया, और अपने जो जगह है उनकी बंद कर दिया। और सैमुअल ने पूछा, तू हुक्म के मुताबिक सब कुछ करके आया? उसने कहा हाँ। तो ये आवाजें सैमुअल को, ये क्या है? नहीं नहीं, मैंने ये जो मोटे ताजे मवेशी जानवर थे, मैं खुदा के लिए ले आया हूं ताकि हम खुदा के लिए कुर्बानी चढ़ाए। खुदा कुर्बानियों से नहीं, आपकी कोशिश से खुश होता है। आप लालच करेंगे, मैं सोना है, मैंने काम पे जाना है, मैंने ये करना है, उनसे खुदा नहीं खुश होगा। आपको जब इन बातों की परवाह नहीं ना होगी तो खुदा आपको फैसिलिटीज देना शुरू कर देता है, आपके लिए बरकतें जो है ना आपको बटेरनी शुरू कर लिए पड़ेगी सिर्फ जब आप खुदा की कोशिश में लगेंगे। जब हम तो सैमुअल ने क्या कहा था, तूने खुदा से गुनाह किया है, एक गुनाह हो गया था, तूने हुक्म नहीं माना, बल्कि अगर तू हुक्म मानता, क्योंकि खुदा कुर्बानी से नहीं बल्कि हुक्म मानने से खुश होता है, जो खुदा के कुर्बानी चढ़ाने से नहीं बल्कि हुक्म मानने से खुदा क्या होगा, खुश होगा। और हम हुक्म किस वसीले से मान सकते हैं, जब हम कोशिश करेंगे, कोशिश में बरकत है, कोशिश में क्या है, बरकत है। और हम किसके लिए कोशिश करते हैं, खुदावन यीशु मसीह के लिए, जो आलम है, वो आलम है और बा अमल है, वो आलम तो था और रहेगा जब तक दुनिया है, और वह अमल भी था, जो कुछ वो कहता था उस पर अमल करता था और करवाता भी था। और जब हम उसके आलम की बात को, उसका यही कलाम है, पूरी दुनिया में फैल गया, और यही पत्रस आगे जाके आपको पता चलेगा इसकी कोशिश से, जो फर्स्ट टाइम हुक्म मानकर बरकतों में बढ़ता गया, फर्स्ट टाइम उसके घर में यीशु मसीह भी गया, उसकी सास को ताप था, बीमार थी, तो यीशु मसीह उसके घर में गया, उसकी सास तंदुरुस्त हो गई, और तंदुरुस्त होने के बाद उनकी खिदमत करने लगा। हालेलुया। आप भी जब कोशिश करते हैं, आपके साथ यीशु चलता है, आपके घर में आता है। अब ये हुक्म माना, यीशु के साथ पतरस चलना शुरू हो गया, यीशु उसके घर में गया, बीमारियां खत्म, परेशानियां खत्म, और खुदावंद उसके साथ साथ था। इसकी इसी बाब की हम देखें, और चार बंदे थे, हम यहां पर 12, 13, 14, 15 होंगे जितने भी हैं, खुदा के फजल से बाद से बरकत हैं। चार बंदों ने कोशिश की एक दफा, और 17वीं 18वीं आज देखेंगे, 18वीं आज से लूका 18 बाब
पांच बाप की 18वीं आयत से 20वीं आयत तक जरा हम देखेंगे। और देखो कई मर्द एक आदमी को जो मफलूज था चारपाई पर लाए और कोशिश की कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखें। आमीन। यहाँ पर क्या हुआ, वो चार आदमियों ने क्या किया, कोशिश की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हंसी लाए यहां, लेकिन वो ये चाहते थे कि जहां पर यसु है, जहां पर यसु कलाम सुना रहा है, जहां पर यसु बैठा हुआ है, जहां से उसकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन ये कोशिश की। एक पुराने वक्तों में घर बनते थे, वहां पर एक रोशनदान ऊपर रोशनी के लिए रखा जाता था, खप्पड़। आगे पढ़े सर, जरा आपको तफसील पता चलेगी। और जब भीड़ के सबब से उसको अंदर ले जाने की राह ना पाई तो कोठे पर चढ़कर, कहां पर चढ़कर, कोठे पर, छत पर, यानी कोठा छत है, छत पर चढ़कर कोठे पर खपरेल में खपरेल। से उसको खटोले समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। खपरेल यानी उसको एक रोशनदान ही कह सकते हम, वेंटिलेशन आजकल के जमाने में। चारपाई को क्या किया, लटका दिया जहां पर यसु बैठा था। अब उनकी ये कोशिश थी, अगर वो कहते चल आ गए यहाँ दुआ तो ठीक है बैठे दे, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जहां पर खुदा का कलाम है, यीशु है, वहां पर आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। इसका मतलब यह है, आप कोशिश करते चले जाएं, आपकी कोशिशें कामयाबी में, कामरानी में बदलती जाएंगी, क्योंकि यीशु हमारा बरकतें देने वाला है और आप बरकतें लेने वाले उसके बस से बरकत इंसान बनेंगे। इब्राहिम ने कैसे बरकतें ली थी, ये सबको स्टोरी पता है, बार बार वो नहीं सिखाऊंगा। कैसे ली थी, कोई एक उसकी खुदा का हुक्म, एक ऐसा उसको मिला जो उन्हें 100 साल बाद चीज मिली ना, वही खुदा ने उसको मांग ली। कौन सी चीज उसको 100 साल बाद मिली, दौलत तो सारी सी उन खुदा लो बरकता मिलिया है, और सानू को 100 साल बाद चीज मिले तो दवांगे। जो हमारी दुनियावी सोच है नहीं देंगे, लेकिन जो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा उनके लिए जैसे पास्टर साहब ने कहा, इम्तिहान की घड़ी होती है, आजमाइश की घड़ी होती है। ये आजमाइश और इम्तिहान में आपने पास होना है। खुदा भूखा नहीं है, वो तो देता है, वो लेता नहीं। वो कलाम में ये भी लिखा कि वो अपनी मुट्ठी सुबह खोलता है और हर एक जानदार चीज शेर और असुदा हो जाती है। वो रिजक को बांटता है, वो बरकतों को बांटता है। उसकी कोशिश है कि हर एक इंसान, मवेशी, कीड़ा मकौड़ा, जो इस दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं, उनको वो रोजी रोटी दे। हम अपनी कोशिश से कुछ नहीं ले सकते। अपनी कोशिश करेंगे ना, आप बीमार हो जाएंगे, मेहनत ज्यादा करेंगे, नहीं है असी जावांगे ते मिलेगा, असी यह करांगे ते सानू होएगा, नहीं। आप आजमा कर देखें, खुदा कहता है आजमा कर देख मैं कितना रहीम और कादरे मुतलिक हूं। वो रहीम भी है और कादरे मुतलिक इसलिए कहा गया है वो कि वो हर जगह पर आपके साथ मौजूद हो जाता है। वो रहीम तो था और रहेगा जब तक आपकी सांस चलती है, वो था है और अब तक रहने वाला है, क्योंकि वो ही हमारी कोशिशों को रंगों में बदलता है, बरकतों में बदलता है। और हमें ऐसी ऐसी कोशिशें करनी पड़ती हैं जो नाकामी की तरफ भी जाती है। इंसान की कोशिश नाकामी की तरफ जाएगी, लेकिन रूहानी कोशिश बरकतों की तरफ जाएगी। इसके बाद एक दूसरा ये था, एक छोटा सा, कोशिश में सुस्ती ना करो। अगर ये चार बंदे सुस्ती करते, बेशक उन्होंने कलाम सुनकर ही और दुआ सुनकर ही उस मफलूज ने शिफा पा जानी थी, और पतरस ने भी अगर जाल
ना भी डालता ना, यीशु के कहने से उसने डाल दिया तो उसने मछलियां गिर ली। अब ये यीशु की दुआ में, इबादत में ऐसे कलाम सुना रहा। मजमा था बड़ा, बड़ी भीड़ लगी थी वहां पर पहुंचते पहुंचते। और अभी भी जो आप देखते हैं बड़े बड़े जो आलमों पास्टर हैं बड़े बड़े पौधों पर, उनकी भी 1 लाख 2 लाख ऐसी तादाद होती है। वहाँ पर मफलू जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम आगे वाली सफ़ों पर, आगे वाले हिस्सों पर, जहाँ पर पास्टर की नज़र पड़े, कलाम सुना जाए, ईमान में मजबूती हो, वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं और वो पाते हैं। ये ईमान से होता है। ईमान से जब हम बढ़ेंगे, हमारी कोशिश ईमान से आगे जाएगी, तो हम बरकतें हासिल करेंगे। हालेलुया। तो ये आदमी शिफा पा गया था कि नहीं? हमको ये स्टोरी बड़ी आसानी से पता है। क्यों पा गया था? वो अपनी मर्जी से कहता यार मैं तो जा ही नहीं सकते, मैं मंजी कौन चुकेगा? खुदा ने जब देना ना किसी को, उनकी जद्दोजहद देखता है, उनकी कोशिश देखता है, उनका ईमान देखता है और वो शिफा पा जाता है। आज हम भी शिफा पाएंगे। आज हमारी भी यही कोशिश होगी कि हम खुदा के साथ हमेशा बढ़ते चले जाएं। हम खुदा के जो सिपाही हैं, खुदा के जो शागिर्द हैं, खुदा के जो चाहने वाले हैं, वो आवाज का नहीं इंतजार करते, बल्कि वो आजकल खादम आवाज देते हैं, शागिर्द भागते हैं आगे। कलीसिया भागती है, वो कहती है ना ही हो इबादत चंगा जी, ऐ तो घंटा घंटा लैन गई। तो लेकिन ये घंटा जो आप एक देते हैं ना, ये आपको अगला दिन जो है ना वैसे बरकत मिलता है। एक घंटा देने से ना, कलाम सुनने से, अगर आप दुआ में भी आइए ना, आपकी रूहानी ताकत बढ़ती है और जिस्मानी ताकत भी उसके साथ बढ़ जाती है। आप रिचार्ज हो जाते हैं। एक चार्ज खत्म हो गई है ना, तो रिचार्ज सोच लाने तो हो जाता है। मोबाइल खत्म होती है मोबाइल की, इस तरह ही इंसान भी है। 6 दिन काम करे, 7वें दिन आराम ना करे, इबादत ना करे, इबादत ना करे ते राम ना करे, ते 8वें दिन ज्यादा ना काम से नींद की डिगदा फिरदा जी। अजमा के देख लेना, ये भी आप एक एक्सपीरियंस ले लें। आप कहते हैं ना जे 6 दिन से नहीं तुहानू बरकत मिली, 7वें दिन भी करके कुछ नहीं जे मिलना, 8वें दिन जाओगे फिर भी तुसी उस रूटीन ना चलोगे, यार बड़ा कम सी है, ऐ तो कम ही करवाते रहे। लेकिन जो यीशु के साथ कोशिश में काम करते हैं, उनकी आमदनी बढ़ती है, उनकी जॉब में बरकत आती है, उनके कारोबार में बरकत आती है, उनके रास्ते क्लियर होते हैं, वो सीधी राहों पर चलते हैं, और जो चलते हैं वो ही बादशाह बरकत। अमाल की किताब है जिसमें मौजज़ात ही मौजज़ात लिखे हुए हैं। ये मरकज़ की किताब में उससे पहले हमने देखा एक औरत जिसके क्या था, 12 वर्ष से खून जारी था। उसने कोशिश की थी कि नहीं की थी? मरकज़ की अंजील 5 बाब उसकी 25 से 34 तक आप इस हवाले को पढ़ेंगे ना, आप इस औरत की जुस्तजू देख लेंगे। आपने ये बहुत दफा खादमों से ये हिस्सा सुना पढ़ा, लेकिन उसकी कोशिश थी। वो डर के मारे, यहूदियों का कल्चर था, जो ऐसी औरतें बीमार होती हैं वो दुआ में जा ही नहीं सकती, वो खुदा का नाम ले ही नहीं सकती। इसलिए वो डरती कांपती हुई कि जहां पर यीशु गुजरेगा, जहां से यीशु चलेगा, जहां से यीशु के कलाम की आवाज आएगी, अगर मैं उसकी पोशाक को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? अच्छी हो जाऊंगी। 25 से 34 तक ये हवाला है, बस आप इसको पढ़ सकते हैं घर में जाकर, आपको पता चलेगा कि वाकई उसकी कोशिश ने उसको क्या किया, शिफा दे दी, और बरकतों से वो मालामाल होगी और खुदा की खिदमत में आगे बढ़ना शुरू। जब हम कोशिश करेंगे तो शिफा पाएंगे, बरकत पाएंगे, इज्जत पाएंगे, और खुदा का फजल आपके ऊपर होगा। हालेलुया। हालेलुया। तालियां को दी, क्योंकि तुम फजल चाहते ही नहीं।
कल मैं भाई कुमार का फसल का मैसेज सुन रहा था, तो हम लोग फसल के नीचे रहना चाहते ही हम लोग नहीं रहना चाहते, हम लोग अपनी कोशिश में आगे बढ़ना चाहते हैं। खुदा का फजल, फजल ऊपर होता है, जलाल में हम बढ़ते हैं। फजल जब आपके ऊपर होगा जलाल में आप, हालेलुया। जब आप जलाल में बढ़ना चाहते हैं फजल पहले हासिल करो, क्योंकि हम फजल के मुताज, हम रूहानी जोश में बढ़ना चाहते हैं। जब आप रूहानी जोश में बढ़ना चाहेंगे, आगे लिखा हुआ है रूहानी जोश में बढ़ते रहो, क्या बढ़े रहो, यानी बढ़ते रहो, मैं इसको कहूंगा बढ़ते रहोगे ताकि आप कोशिश करें, कोशिश करते रहें, बढ़ते रहो रहना है, बढ़े रहना है, लेकिन बढ़ते रहोगे तो आप कोशिश करते रहोगे। हमने एक दफा नहीं बल्कि हर दफा शैतान को क्या करनी है, शिकस्त देनी है, और हमने कोशिश में बढ़ना है ताकि हम क्या करें, रूहानी जोश में आगे जाएं, पीछे ना हटें। अब जब हम जोश में, रूहानी जोश में बढ़ेंगे तो थर्ड जो है ना, तीसरा मिसरा, जो सब नहीं कर सकते लेकिन कोशिश करते हैं सब करने की। कुछ लोग अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए करते हैं, कुछ लोग अपना नाम पैदा करने के लिए करते हैं, कुछ लोग कलीसिया को धोखा देने के लिए भी करते हैं। क्या लिखा हुआ है तीसरी लाइन में, तीसरे फिक्र में, खुदावंत की, इसकी खुदावंत की खिदमत करते रहो। ये सब यहां से करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन जो दिल से, रूह से, सच्चाई से खिदमत करते हैं उनकी कोशिशें रंग लाती हैं, उनकी बरकतें बढ़ती हैं। यहां पर जो दिल से करने वाले थे ना, अमाल की किताब देखेंगे, पतरस की कोशिश, 120 की जमात को कलाम सुनाता है। कितनी जमात को? 120 की जमात को कलाम सुनाता है, और उसी कलाम में जब दूसरे बाप की 120 की जमात में से कलाम को सुनाते सुनाते वो आगे दूसरे बाप में आ गया, जब तो 41 आयत देखें जरा, अमाल, जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसी रोज 3,000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। आमीन। अब जब कोशिश की थी, लेकिन इसकी कोशिश से 3,000 एक दिन में बढ़े, 120 की जमात थी, लेकिन ये 120 की जमात हुक्म के मुताबिक, ताबियादारी के मुताबिक, खुदा के साथ जुड़े रहने के मुताबिक अपनी कोशिश में नहीं बढ़ी। उनको एक हुक्म मिला था कि एक बाला खाना में, एक कमरे में बैठे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। अगर वो अपनी कोशिश से आगे बढ़ता तो मैं जानता हूं कि ये 3,000 आदमी एक दिन में नहीं मिल सकते थे। वो 120 की जमात में कलाम करता है, और आगे जब खुदा की मर्जी से उनको बाखरू मिला तो उसी कलाम ने 3,000 लोग बदल दिए। उन्होंने क्या किया था जब वो बदले? सबसे पहले जो यीशु मसीह ने काम किया वो ही उनको हुक्म पतरस ने दिया। यीशु मसीह ने सबसे पहले कौन सा काम किया? बड़े काम किए, तरखाना काम किया, इधर किया, वो किया, माँ प्यो दे ताबिया रहा। पहला काम केड़ा किया? हालेलुया, बपतिस्मा लिया। वो उठा, यूहन्ना जो उसके रास्तों को सीधा करने के लिए, उसके राह की तलीम को बताने के लिए कोशिश कर रहा था कि एक तुम्हारा बचाने वाला, तुम्हारा निजात दहिंदा आने वाला है, और वो ही काम यीशु मसीह ने सबसे पहले उससे जाकर लिया और करवाया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसके रास्तों को क्या कर रहा था? सीधा कर रहा। आजकल साढ़े रास्ते को सीधा करे ना तो ऐसी समझे साढ़े खिलाफ। आजकल जो भी है ना, इंसानी सोच है, इंसानी अकल है, इंसान में
बहुत सी ऐसी रॉन्ग सोचें आती हैं और वो डालने वाला अबलीस। खुदावन की जमात में खुदा भी होता है और वो ही आपकी बरकतों से मालामाल करने वाला है, आपको बरकतों से माल। अब ये जो था ना 3000 ने आदमियों ने एक दिन में बपतिस्मा लिया, कैसे लिया? ये खुदा की पाक मर्जी थी और पतरस की कोशिश अपनी नहीं थी बल्कि खुदावन यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। और अब जब वो ऐसे ऐसे आगे बढ़ता गया ना, ये एक मैं पतरस के लिए नहीं कह रहा, यीशु मसीह उसके साथ था, यीशु मसीह उसके सास के साथ उसके घर में गया, उसकी सास ने जब पहले यीशु उसको मिला तो क्या हुआ था? मछलियां उसे कारोबार से बरकत आ गई। यीशु नु मिलो, यीशु कारोबार से बरकत देता है, तुम्हारी जॉब से बरकत देता है। ये यीशु की कोशिश में बढ़ोगे, अपनी कोशिश से बढ़ोगे ओवर टाइम नहीं मिलता यार, पता नहीं की होना है, आप बंद हो गए। वो आपको एक दरवाजा बंद करता ना 10 दरवाजे खोल जाते। आप ईमान से चले आपको बरकतें मिलेंगी, आपके दरवाजे खुले हैं, बंद नहीं है। इसलिए तो वो कहता है मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो खोलता है मैं उसके साथ अंदर आऊंगा, जो कोशिश ही नहीं करनी खोलन दी तो वो बाहर ही रहेगा। दरवाजा कोई खड़का है ना खोलेंगे तो कौन अंदर आएगा? चला जाएगा। लेकिन यीशु भी ऐसे आपके दरवाजों पर खड़ा हुआ खटखटाता है, आपको बरकतें देना चाहता है, आपकी कोशिश को बढ़ाना चाहता है, आपकी लियाकत को, आपकी अकल को, दनाई को बढ़ाना चाहता है। और जब आप बढ़ेंगे तो आपको पता है कि ये 3000 आदमी बढ़े थे, उसके बाद कहां पर 5000 भी बढ़े थे। चार बाप की चार आयत देखे जरा, चार बाप की चार आयत में देखे, अमाल चार बाप चार आयत। मगर कलाम के सुनने वालों में से बथेरे ईमान लाए। कौन लाए? बथेरे, यानी के 5000 की तादाद लिखी गई है, बथेरे ईमान भी लाए थे। और क्या हो गया था आगे? यहाँ तक के मर्दों की तादाद 5000 के करीब हो गई। आमीन। मर्दों की सिर्फ तादाद, बथेरे थे, औरतें भी थी, बच्चे भी थे, यानी उस वक्त हिसाब लगाए तो एक एक बच्चा होगा 15000 थे, होंगे औरतें भी 15 ही होंगी, 5 5 5 सिर्फ एक एक बच्चे की तादाद ना 15000 तो होंगे बथेरे। लेकिन तादाद मर्दों की गिनी जाती थी यहूदी कल्चर में शरीयत के मुताबिक, इसलिए मर्दों की तादाद 5000 बताई गई है। और हम अगर आज कोशिश ना करते तो आज आप भी कोशिश का कलाम ना सुन। हालेलुया। उन कौन कौन तैयार है कि कोशिश करेंगे? लेकिन आप कोशिश में कायम रहना है, जब आप कोशिश करते रहेंगे ना आपको धमकाने वाले बड़े होंगे, आपको धमकाने वाले बहुत ज्यादा होंगे। शैतान नजर नहीं आता, लोग होंगे ने। इसी बाप की 29वीं आयत देखे जरा, चार बाप की खुदावन उनकी धमकियों को दे और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दलेरी के साथ हो। आमीन। अपने बंदों को देखो जिन्होंने वादा कर लेना सी बुलाएंगे, बड़ी कोशिश की थी, हाथ खड़े किए ने, अब ये कोशिश कामयाब रहे। आप शिगिर्द हैं और शिगिर्द ही रहे, यीशु के शिगिर्द बनने की कोशिश करें और खुदा के और लोगों को ढूंढे। धमकियों की परवाह नहीं करनी। इनकी परवाह नहीं करनी धमकियों, ये क्या है? अपने बंदों पर क्या कर? अब ऐ खुदावंद, ये दुआ कर रहा है पतरस, दुआ कर रहा है कि अब ऐ खुदावंद क्या कर? उनकी धमकियों को दे। धमकाने वाले कौन है? तू सुना दे सही, मैं बेचना ना बोलिया, तेनू दस दांगा तू वड्डा पादरी बनया था। मैं ऐसी धमकियां मिलती हैं, खिदमत तेरी वेखांगा, तू बड़ा आया ना चौधरी बन के। ऐसी धमकियों से हमें परवाह नहीं करनी, हमने कोशिश करनी है और कोशिश में हमें डरना नहीं। कमाल
दिलेरी के साथ। कमाल दिलेरी क्या है? जोश, हिम्मत, ताकत और बरकत जो पतरस के साथ थी। कितनी जमात थी? 120 की जमात थी, 3000 बड़े एक ही दिन में। और फिर दूसरे दिन कलाम सुनाया होगा या कब सुनाया होगा, जब भी वो कलाम सुनाता था लोग बढ़ते थे, कम नहीं हो रहे थे, 5000 हो गए। अब जब हसरत के मारे लोग जलते हैं ना, वो धमकियां देना शुरू कर देते हैं, तो जो वादे कर लेंगे ना कोशिश में, वो कभी भी पीछे नहीं होंगे। हालेलुया। ये जरा पूरा हवाला था पढ़े, आगे 30वीं आयत पढ़े। और तू अपना हाथ शफा देने को बढ़ा, और तेरे पाक खादम यस्सू के नाम से मौजज़े और अजीब काम ज़हूर में आए। आमीन। यस्सू के बारे में हमने यहाँ पर सीखा, आगे पढ़े सर 31। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया, और वो सब रूह कुदस से भर गए और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे। आमीन आमीन। अब जब आप रूह कुदस से भरेंगे, रूह कुदस से भरे थे, 120 की जमात से कलाम करता करता आगे बढ़ता गया, 3000 5000 और भी आगे बढ़ते गए, तो शिगिर्दों की तादाद, क्लीसिया की तादाद बढ़ती चली गई। अब जब बढ़ेंगे, कोशिश में बढ़ेंगे, कलाम की कोशिश में बढ़ेंगे, यस्सु की कोशिश में बढ़ेंगे, आपको बरकत मिलेगी। और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें क्या थी? मुश्तरका थी। आज देखे मैं कहा था सही, मेरा मोबाइल है सब थोड़ा, वो दूसरा जी मेरा जी। अगर आज हमें ये जो थे ना, हम खुदावंद को बड़ी गल 10, 20, 30, 40, 50 दे बहुत वड़ा नोट इतने अच्छे के साथ, हम खुदा को यानी ऐसा भी नोट डालते हैं जड़ा हाड़े को नहीं ना चलता, वो असी चंदे ते डालते हैं। ए बैंक सारे नोट चला लेता है, खुदा का जो बैंक है ना, सब नोट चला लेता है, और सब की चीज़ें वो कहते वो मुश्तरका चीज़ों के शामिल है, वो चल जाना है। लेकिन ऐसी कोशिश ना करें, खुदा जो ऐसी कोशिशें करते हैं ना, खुदा उन्होंने फिर वही नोट दोबारा भी दे देता है। आप खुदा को अच्छा दें, कोशिश करें जो आप खुद इस्तेमाल करते हैं खुदा को उसी तरह से देना शुरू करते हैं, क्योंकि खुदा आपकी कोशिश में बरकत देना चाहता है। और अब आगे जरा 36वीं आयत से पढ़ेंगे। और यूसुफ नाम एक लावी था, जिसका लकब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा था, और जिसकी पैदाइश कुप्रस की थी। उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पांव में रख दी। आमीन। यहाँ पर यह यूसुफ नामी एक लावी था, जो लावियों का एक कबीला था पुराने आदनामे में। वो क्या करते थे? खिदमत के लिए चुने गए थे, खिदमत के लिए चुने गए थे। वो खरायत लेते थे, जकात लेते थे, यानी दया यकी लेते थे। यहाँ पर उसका एक खेत था, उसने बेचा और लाकर कीमत किनके? शिगिर्दों के पास। वो कहानियत बदल गई, अब कहानियत यस्सु मसीह की चली, जो कोशिशों में बरकते देता है, जो आपकी जिंदगी में बरकते देता है। यहाँ पर लाकर किनके? शिगिर्दों के पास रखी। ये शिगिर्द किसके थे? यीशु के। और ऐसे ही हमें अब मजबूत होना है। एदम किया को मैं आया कि मजबूत होना है, कोशिश करनी है। शुरू की थी ना तुसी, हाथ खड़े किते ने सी, सारे कोशिश करांगे। तो मैं दो कीते हैं, तुसी एक कीता है, मैं करूँगा जितनी मेरे अंदर कुवत है, ताकत है, दिलेरी है, करूँगा। और यहाँ पर ये यूसुफ ने तो दे दिया। अब मैंने एक बात कलाम में कही थी, खिदमत करते रहो, आखिरी जुमला था खिदमत करते रहो, 11वीं आयत का। आगे 12वीं आयत बाद में देखेंगे, अभी यही करते तो इतना टाइम हो गया। तो अब यहाँ पर आगे सफीरा और हनन्याह, उन्होंने किया, यार यूसुफ ने ले आके की किया,
हाँ दोनों खुदा ने और कुछ ले लिया बड़ा। अब जो ऐसे देख देख कर ना कोशिश करते ना, हनानिया और सफीरा ने क्या किया, उनका भी एक खेत था, पांचवें बाप में आ गया आगे स्टोरी में, उनका भी एक खेत था, उसने बेचा। खुदा ने तो नहीं किया, शिगिरदा ने तो नहीं किया, लेकिन मुश्तरका चीजें थी सबकी जमात में। खुदा हम तो 10 रियाल भी दे के ना पास्टर को जितलाते हैं, जय यकीनी देते हैं, ये जो हम पर हुक्म है, हम चंदा नहीं देते टाइम से, ये भी हमारे ऊपर हुक्म है। लेकिन यहाँ पर यूसुफ लावी देने वाला लेने वाला पहले उनका खानदान है। अब यहाँ पर देख देख के ना हनानिया सफीरा ने क्या किया था, उनका खेत था क्या किया, बेचा, लाकर सारी कमाई देती ही मंगया ही, ये सुने शिगिरदा ने मंगया ही नहीं, तो क्या किया उसी खेत की कमाई को, जब उन्होंने सोचा था कि हमने ये खेत बेचना है और लाकर शिगिरदों को देना है, अगर वो 10 रुपया रख दी ना उस वक्त, 10 ही होंगे, 10 एक दिनार होंगी उसको, तो बड़ी कमाई 10 दिनार का होगा ना, तो जब खुदा के नाम से उन्होंने बेचा ना तो शायद वो मेरे हिसाब से 1 लाख का बिका होगा, 10 रुपये वाली चीज 1 लाख में बदल दी, क्योंकि जब उनको ये कीमत मिली उनकी आंखें खुल गई, जहन तब्दील, सोच तब्दील, उन्होंने कहा वो ये 10 दही सी 10 ही उठे दे रहे, बाकी अपना ही है। लेकिन खुदा का पाक रूह जिसके वसीले से आप बरकत हासिल करते हैं वो आपकी सोच को जानता है, इसलिए तो दुआ में अक्सर मैं कहता हूँ तो दिल और हृदयों को जांचने वाला खुदा है, वो हमारी सोचों को, हमारी अक्लों को, हमारी हर एक चीज से वाकिफ है, वो हमारी जेब को जानता है कि कितनी इसमें आमदनी है। हम नादान हैं, हम ओले हैं, हम कहते हैं हम चलाक बनते हैं, बोले तो नहीं चलाक ही कहांगा, हम चलाक बनते हैं केड़ा पता लगना। लेकिन पतरस ने 2 दफा पूछा क्या इतने को ही बिका है, तो उन्होंने कहा हाँ, तो ननिया उसी दम उसके पांव पर गिरकर मर गया, और उसकी बीवी सफीरा, हनानिया और सफीरा, उसकी बीवी सफीरा थी, और वो भी अंदर आई, इस माजरे से बेखबर थी, और आकर कहती है कि मेरा खावन तो आया था दुआ पर, वापस घर नहीं आया, किथे गया जरा 10 रियाल पाया थे, बाकी 99 कितना होगा पता नहीं, 1 लाख तो काट लो साल है, तो वो तो हमने अभी रखा हुआ अपना, अपनी दुनियावी सोच के मुताबिक, अपनी कोशिश के मुताबिक करना है कारोबार वो है। तो वो भी आई और पतरस ने उसको भी पूछा क्या सफीरा इतने को ही बिका था, उसने कहा हाँ खुदावर, और वो भी वहाँ पर चल गई, मर गई, जड़ी रखी चीज खत्म, हाड़ियाँ कोशियाँ तबाही और बर्बादी की, हमारी कोशिश हमारी सोच तबाही और बर्बादी की, लेकिन खुदा की सोच हमेशा अफजल है, आला है, और आपको बरकतें देने वाली। बाकी हिस्सा अगली दफ़ा मौका मिलेगा तो पेश करेंगे, 11वीं आयत, 3 हिस्सों में इतना टाइम लगा है, अगर उसके आगे जाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। हमने हमेशा कोशिश खुदावन की राहों पर चलने की करनी, इबादतों में बढ़ने की करनी, दूसरों की मदद करने के लिए करनी, ब्लैकमेल करने के लिए नहीं करनी। पास्टर साहब तुसी कहते हो दवो तुसी, नहीं, खुदा देने वाला है, खुदा संभालने वाला है, खुदा आपको बढ़ाने वाला है, खुदा आपकी सोच को तब्दील करने वाला है। आज जिस जिसने भी कोशिश की है, अपनी नींद की, अपनी छुट्टी की कुर्बानी दी है, उनके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। आप हमेशा कोशिश में लगे रहें, कभी भी आपने कोई भी ऐसी मजहबी इबादत है, मजहबी प्रोग्राम है, गीतों का है, जबूरों का है, रूहानी गजलों का है, खुदा की इबादत का है, शिफाया इबादत का है, कोशिश करें वहां पर पहुंचने, खुदा आपकी कोशिश को रंग में बदलेगा, आपकी कमाई में जो हम चाहते हैं। कोई भी अजदा नहीं जड़ा कहना मेरी कमाई करें,
मेरे हिसाब से मेरी ये मेरी अकल है वो सारा गए नहीं जी मैं चाहता ना मिले तो ना भी मिले ऐसा मेरे हिसाब से तो इंसान कोई भी नहीं है। वो कहता है एक के तो दो होनी चाहिए दो नहीं तो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ये तादाद ख़त्म नहीं हो सकती लेकिन खुदा की कोशिश में हमेशा बरतते हैं उसकी भी कोशिश में हमेशा बढ़ती ही जाती है बरतें आपको बढ़ेंगी कम नहीं होंगी। खुदा आज के इस कलाम पर जो खुदा के पाक फजल से मिला बरकत नाजिल करें और हम सबको ये तौफीक दे कि हम उसके नाम और कलाम और उसकी इबादत प्रस्तिश में आगे बढ़ते चले जाए। आमीन। हम अपने सिरों को झुकाएंगे।